हाल ही में इसराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी। हम ये देखेंगे इसराइल का सीरिया के साथ क्या विवाद है, साथ ही साथ फिलिस्तीन के साथ क्या विवाद है, गोलान हाइट, गाजा पट्टी क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, साथ ही साथ लेबनान के साथ, जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ इसराइल का क्या विवाद है, इसराइल की स्थापना कब हुई थी, सीरिया की स्थापना कब हुई थी, इन सब पर भारत का क्या स्टैंड है, यूएसए का क्या स्टैंड है एंड ईयू का क्या स्टैंड है, हम ये सब देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसराइल की स्थापना हुई थी 14 मई 1948 को एंड सीरिया की स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1946 को। ठीक है, अब इसकी स्थापना कैसे हुई थी, इसराइल की स्थापना तो आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी का हिटलर जो कि नाजीवादी था, यूरोप में उसका प्रकोप काफ़ी बढ़ गया था, वो यहूदियों पर अत्याचार कर रहा था, तो यहूदी भाग भाग करके यरूशलम आ गए थे। यरूशलम यहूदियों का पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है, तो यरूशलम आ गए थे और यहाँ पर पहले फिलिस्तीन हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर पहले फिलिस्तीन थे। जब ये भाग करके आए थे तो इन्होंने फिलिस्तीनियों को यहाँ से भगा दिया था और खुद आ करके यहाँ पर बस गए थे, क्योंकि यहूदियों को यूएसए फेवर करता है, इसी वजह से यूएसए हमेशा इसका साथ देता है और इसीलिए इसराइल यूएसए का राइट हैंड माना जाता है। ठीक है, हमेशा ही सही हमेशा से ही साथ देता है, तो इसी वजह से यहाँ से फिलिस्तीनियों को इन्होंने भगा दिया था, इसी वजह से फिलिस्तीनियों को यहाँ से भगाने में आ, 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 सफल हो गए थे। ठीक है, तो जो फिलिस्तीनी है वो कहाँ जाएंगे, तो वो साइड के देशों में चले गए थे। ठीक है, जैसे कि लेबनान हो गया, जॉर्डन, इजिप्ट एंड सीरिया, ये इसके साइड के देश हैं, इनमें चले गए थे, और जो ये यहूदी बस गए थे इसी को इसराइल नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये चले गए थे, तो अब जब किसी दूसरे देश के लोग दूसरे देश में जाएंगे तो उस पर बर्डन तो पड़ेगा ही ना, कोई भी देश है वो अपने देश के लोगों की भरपाई कर ले, यानी कि जीवन यापन अच्छे से करा ले, वही बहुत है, तो उन पर क्या है दबाव पड़ा इससे। और तो उन्होंने क्या किया कि हम आपकी मदद करते हैं, यानी कि हम आपको आपका क्षेत्र दिलाने की कोशिश करते हैं। इसी में क्या हुआ था, इन चारों देशों ने फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर के इसराइल पर अटैक कर दिया, यानी कि आक्रमण कर दिया। तो इसमें क्या है, इसराइल, ये 6 दिन तक युद्ध चला था, इसमें इसराइल जीत गया और ये चारों देश हार गए थे। ठीक है, साथ ही साथ इसराइल ने इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला एंड सीरिया के गोलन हाइट पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, जो कि आज तक कब्जा किए हुए है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी वजह से इसके साथ विवाद चलता रहता है अभी तक। ठीक है, इन चारों देशों के साथ साथ ही साथ लेबनान एंड जॉर्डन के भी बड़े बड़े हिस्सों को इसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब फिलिस्तीन में जो वेस्ट बैंक एंड गाजा पट्टी है, जो ये फिलिस्तीनी है वो इन्हीं दोनों जगह पर बचे हुए हैं, गाजा पट्टी एंड वेस्ट बैंक, छोटी छोटी जगह है वो, यानी कि 5% जो वेस्ट बैंक एंड गाजा पट्टी है पूरे फिलिस्तीन का, और 95% पर इसराइल बस गया है, 5% पर गाजा पट्टी एंड वेस्ट बैंक है। इन पर भी क्योंकि ये काफ़ी मौके की जगह है, गाजा पट्टी एंड वेस्ट बैंक, इसी वजह से इन पर भी कब्जा करना चाहता है इसराइल, इनको यहाँ से भगाना चाहता है फिलिस्तीनियों को। इस वजह से फिलिस्तीन के साथ, यानी कि इनको फिलिस्तीनी कहा जाएगा गाजा पट्टी एंड वेस्ट बैंक को, इसी वजह से गाजा पट्टी एंड वेस्ट बैंक के साथ इसका विवाद चलता रहता है। ठीक है, और फिलिस्तीन के साथ, और साथ ही साथ सीरिया के साथ गोलन हाइट, क्योंकि गोलन हाइट पर 1967 में इसराइल ने कब्जा कर लिया था, तो इस वजह से सीरिया के साथ गोलन हाइट को लेकर के इसका विवाद चलता रहता है, इजिप्ट के साथ सिनाई पेनिनसुला को लेकर के विवाद चलता है, लेबनान एंड जॉर्डन के साथ भी बड़े बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, इसीलिए इसका विवाद चलता रहता है। ठीक है, और ये है कहाँ पर गोलन हाइट है, तो सीरिया में ही एक सी ऑफ गैलीली है। ठीक है, यानी कि एक समुद्र है, ठीक है, उसके पश्चिम में पड़ता है ये गोलन हाइट। ठीक है, तो गोलन हाइट पर ये कब्जा क्यों नहीं छोड़ना चाहता, तो सीरिया के साथ इसका, क्योंकि इसकी दुश्मनी है सीरिया के साथ, सीरिया ने इस पर हमला कर दिया था, तो उस दुश्मनी के चलते उसकी राजधानी दमस्कस पर ये हमेशा ही उस पर नजर रख सके गोलन हाइट के माध्यम से, इस वजह से ये उसे छोड़ना नहीं चाहता कि दमस्कस में, यानी कि उस देश में क्या चल रहा है सीरिया में, तो दमस्कस के माध्यम से ये सारी जानकारी ले सके। गोलन हाइट एक पठार टाइप का है, 1800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, वहाँ से पानी गिरता है, वो जॉर्डन नदी में जाता है, तो उसका भी ये यूज़ करता है जॉर्डन नदी का, तो इस वजह से जॉर्डन के साथ इसका विवाद चलता रहता है, साथ ही साथ उसके क्षेत्र पर भी कब्जा किया हुआ है इस वजह से। ठीक है, तो 1800 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस पर से उसी को गोलन हाइट बोला जाता है, और उस पर से दमस्कस जो सीरिया की राजधानी है उस पर 24 घंटे नजर रख सके, हमेशा ही इनमें एयर स्ट्राइक वगैरह होती रहती है, हमेशा ही चलते रहते हैं, बट सीरिया एक फेलियर कंट्री है और इसराइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, इस वजह से सीरिया हमेशा इससे पिछड़ता रहता है, हमेशा ही इससे हार जाता है।
बट वही है ना, दुश्मनी तो दोनों की है। अब ये इनमें अभी तक दुश्मनी खत्म नहीं हो रही है। वो कह रहा है कि हमारे गोलन हाइट को आप वापस करो, बट इसराइल है कि उसको करने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इस वजह से चलता रहता है गोलन हाइट के साथ, वेस्ट बैंक एंड गाजा पट्टी को फिलिस्तीन के साथ इसका विवाद चलता रहता है, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के साथ विवाद चलता रहता है, एंड लेबनान एंड जॉर्डन के साथ नदी को लेकर के, एंड बड़े बड़े क्षेत्रों को लेकर के इसका विवाद चलता रहता है। इसराइल की स्थापना कब हुई थी? 14 मई 1948 को हुई थी। इसकी दो राजधानियां हैं, एक तेल अवीव और दूसरी यरूशलम। भारत भारत है वो तेल अवीव को मानता है, एंड यूएसए है वो यरूशलम को मानता है, एंड इसराइल को यूएसए सेकेंड मतलब अपना राइट हैंड मानता है। और उसी के माध्यम से जो ये जितनी भी यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्री एंड पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव इसी के माध्यम से स्थापित करता है अपना, ठीक है, यूएसए। तो इस वजह से इसे राइट हैंड मानता है और इसीलिए हमेशा ही इसका साथ देता है। और इसी वजह से क्या है कि फिलिस्तीन को यानी कि पूरा फिलिस्तीन सिर्फ यूएसए के माध्यम से ही इसने कब्जाया हुआ है, और इनके सभी के साथ भी बढ़त बनाए हुए इसीलिए क्योंकि इसके साथ यूएसए है। ठीक है, अब हम देखें कि, और सीरिया एक फेलियर कंट्री है, ना तो उसके पास टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नहीं है, एक फेलियर कंट्री है, असफल कंट्री है, इसीलिए हमेशा ही हार जाता है। अभी इस क्या किया था कि एयर स्ट्राइक कर दी थी सीरिया ने इसराइल पर, बाकी बदले में इसराइल ने काफ़ी एयर स्ट्राइक कर दी, तो सीरिया की एयर स्ट्राइक तो बेकार हो गई, और इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी तो काफ़ी इसका नुकसान होता रहता है उसमें। ठीक है, इस वजह से इसकी झड़प चलती रहती है उसके साथ, इसराइल के साथ। तो जो ये मतलब जो गोलन हाइट है, ठीक है, यूएसए मानता है कि ये इसका है, इसराइल का ही है। ठीक है, इसे ना दे, इसराइल सीरिया को ना दे, ठीक है, बट भारत चाहता है कि सीरिया को इसे दे देना चाहिए क्योंकि युद्ध में कब्जाया हुआ क्षेत्र है गोलन हाइट, क्योंकि भारत का जो अक्साई चीन है वो भी चीन के द्वारा इसी तरह से 1962 के युद्ध में ही कब्जाया हुआ था। इसीलिए भारत कह रहा है कि जब हमारे ही शीशे के घर हैं तो हम दूसरों के घर में क्यों पत्थर मारे हैं। ठीक है, कहावत तो सुनी होगी ना आपने, जब खुद के शीशे के घर हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो भारत इसीलिए इस पर सीरिया का अधिकार करवाना चाहता है, यानी कि सीरिया को वापस लौटवाना चाहता है, क्योंकि पता है भारत भारत के इसराइल के साथ अच्छे संबंध है, बट फिर भी चाहता है क्योंकि चाइना ने हमारे अक्साई चीन पर कब्जा, जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है उस पर, हमारे हमारा क्षेत्र था वो, उस पर कब्जा कर लिया। इसीलिए भारत चाहता है कि इसराइल को इसे वापस दे देना चाहिए सीरिया को, गोलन हाइट को, क्योंकि ये सीरिया का है। ठीक है, ईयू भी यही चाहता है, यानी कि यूरोपियन यूनियन, जिसमें अभी 27 देश हैं, 2020 तक इसमें 28 देश हुआ करते थे जनवरी तक, और इसमें से ब्रिटेन निकल गया था, तो ये 27 देश हो गए थे ब्रेक्जिट के माध्यम से, इसमें से ब्रिटेन निकल गया था। तो जो ईयू है वो भी चाहता है कि सीरिया को, गोलन हाइट को वापस कर देना चाहिए इसराइल को, क्योंकि वो क्षेत्र सीरिया का है इस वजह से। ठीक है, तो यूएसए तो सिर्फ इसका साथ चाहता है कि नहीं वो इसराइल का है, बट ईयू एंड भारत चाहते हैं कि वापस कर देना चाहिए क्योंकि ये युद्ध में कब्जाया हुआ क्षेत्र है। अगर ऐसे ही सभी अपनी पावर के दम पर अन्य देशों को, कमजोर देशों को कब्जा लेंगे तो फिर इस तरह से तो एक ही देश की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाएगी ना। तो इस वजह से भारत चाहता है कि इसे वापस कर देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।